मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्री से टू दिस एक्सटेंड एग्रीवड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेट असाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनो अंत तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। आप जारी बात है पार्टी के सरबराह भी हैं और दूसरी तरफ आप केसेस भी लड़ रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो बींगा चेयरमैन ऑफ पीटीआई क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हिकमत अमली लेके आप इलेक्शन के मैदान में उतरे? देखिए हमारे वर्कर सपोर्टर और पार्टी लीडर हम तैयार हैं, हमने होमवर्क कर दिया था। द मोस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है, हमें सिर्फ इलेक्शन डेट की ज़रूरत थी और इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ। इंशाल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कम्प्लीट कर दिए हैं लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सरकमस्टांसिस में हम कंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। थैंक यू।